हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बेहद ही शानदार व जानदार होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक ऐसे शख्स के साथ घटी घटना की शानदार व जानदार केस स्टडी, जिसमें वो शख्स अकेला समुद्र में एक छोटी नौका के सहारे बगैर खाना पानी के समुद्र के किनारों से मीलों दूर 438 दिनों तक भटकते हुए अपनी मौत को मात देकर अंत में अपनी जिंदगी को जीत कर ही लाता है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ आज के इस शानदार व जानदार केस स्टडी में बिना स्किप किए इस वीडियो के एंड तक। दोस्तों, इस सच्ची कहानी की शुरुआत होती है 18 नवंबर सन 2012 ईस्वी को मेक्सिको के अल सल्वाडोर से, जहां पर जो सल्वाडोर नामक एक मछुआरा अपने मालिक के अंडर में समुद्र में मछली पकड़ने का काम करता है। जो सल्वाडोर के पास 15 वर्षों का समुद्र में मछली पकड़ने का एक शानदार अनुभव होता है। इसी क्रम में जो सल्वाडोर मछली पकड़ने के लिए समुद्र में 3 से 4 दिनों तक का सफ़र करते रहता था। इस काम के बदले उसे अपने मालिक से तनख्वाह मिलती थी। जो सल्वाडोर समुद्र में मछलियों को पकड़ने अक्सर अपने एक साथी के साथ जाया करता था, किंतु एक दिन की बात है, उसका वह साथी समुद्र में मछली पकड़ने जाने के लिए किसी कारणवश नहीं आ पाया, जिस वजह से जो सल्वाडोर एक 20 वर्ष के नए लड़के को अपने साथ समुद्र में जाने के लिए हायर करता है, जो अभी अभी एक मछुआरा बनने की ट्रेनिंग ले रहा था। उस नए लड़के का नाम कोर्डोबा था। जो सल्वाडोर कोर्डोबा से कहता है कि समुद्र में 3 से 4 दिनों के लिए उतरना है, जिसके बदले में वह उसे एक निश्चित रकम प्रदान करेगा। दोनों समुद्र में उतरने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह एक दिन लगभग 23 फीट लंबी नौका को अपने साथ मछली पकड़ने के लिए ले जाते हैं। उस नाव की खास बात यह होती है कि उसमें कोई भी पर्दा या हवा की दिशा को बताने वाला साधन नहीं लगा हुआ था। नाव बिल्कुल फ्लैट व सपाट थी, जिससे कि नज़दीक से भी समुद्र में अन्य किसी दूसरे नाविक को थोड़ी भी दूरी से वह नाव नहीं दिखाई दे सकती थी। 18 नवंबर सन 2012 ईस्वी को जो सल्वाडोर व कोर्डोबा एक 23 फुट लंबी नौका में बैठकर मछली पकड़ने के लिए समुद्र में उतर जाते हैं, और पहले दिन व दूसरे दिन को मिलाकर ये दोनों लगभग आधा टन मछलियां पकड़ चुके थे। तीसरे दिन ये समुद्री तट से लगभग 50 मील दूर समुद्र में प्रवेश कर चुके थे। तभी तीसरे दिन एक भयंकर समुद्री तूफान आता है, व उस तूफान में जो सल्वाडोर व कोर्डोबा अपने 23 फुट लंबी नौका व पकड़े हुए मछलियों के साथ तूफान में फंस जाते हैं। तूफान ने नाव को थोड़ा बहुत क्षति पहुंचाकर नाव की दिशा को भटका दिया। जब तूफान शांत होता है तो जो सल्वाडोर रेडियो की सहायता से अपने मालिक से संपर्क करता है, जो कि मात्र 20% तक ही चार्ज था। इस दौरान वह अपने मालिक से सहायता की मांग करता है। तभी अचानक बैटरी खत्म होने के कारण उनका संपर्क अचानक से टूट जाता है। दोस्तों, कहने को तो केवल रेडियो संपर्क ना टूटकर बल्कि उस दिन इन दोनों का पूरी दुनिया से संपर्क टूट चुका था। अब जो सल्वाडोर व कोर्डोबा दूर व वीरान समंदर में भटक चुके थे। दूर दूर तक ना तो जमीन व ना ही कोई दूसरी नाव नज़र आ रही थी, जिससे कि वे सहायता ले सके। कुछ देर बाद फिर से एक समुद्री तूफान आता है, जो इन दोनों को नाव के साथ और बुरी तरह से भटका देता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है व खाने पीने का सामान भी इनका लगभग खत्म होने ही वाला होता है। इसी बीच एक दिन तीसरी बार फिर से समुद्री तूफान आता है। इस बार तूफान से बचने के लिए इन्हें अपने नाव का वजन कम करना था, क्योंकि नाव पहले से ही दो तूफानों से टकराकर और भी कमज़ोर हो चुका था। अब इन दोनों ने यह डिसाइड किया कि जिन मछलियों को वे पकड़ने के लिए समुद्र में अंदर उतरे थे, अब उसे वापस समुद्र में फेंक कर नाव का वजन कम करना होगा। लेकिन बीच समंदर में छोटी मछलियों को फेंकने से खतरा यह था कि उन्हें खाने के लिए कहीं बड़ी शार्क मछलियां न आ जाएं। फिर भी इन्होंने रिस्क लेते हुए सभी मछलियों को वापस समुद्र में फेंक दिया, इसी उम्मीद में कि एक न एक दिन वे वापस अपने अपने घरों को जरूर वापस लौट ही जाएंगे।
अब खाना के साथ पीने का पानी भी खत्म हो चुका था। वह घर से निकले अभी उन्हें लगभग 15 दिन बीत चुके थे। अब ये दोनों अपना पेट भरने के लिए अपने नाव पर बैठे प्रवासी पक्षियों का शिकार करने के साथ समुद्री मेंढक वगैरह को खाकर अपना भूख मिटाते थे, लेकिन समुद्र का पानी नमकीन होने के कारण पी नहीं सकते थे। अब प्यास बुझाने के लिए इन्हें केवल बरसात के पानी पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अफसोस, इस वीरान बीच समंदर में बरसात भी कहाँ होने वाली थी। इस दौरान इन्हें बीच में कई बड़े बड़े अन्य नाव दिखाई देते हैं, किंतु ये दोनों तो उस नाव को देख लेते हैं, किंतु बड़े नाव पर बैठे लोग इनके 23 फीट छोटे आकार की नाव को नहीं देख पाते थे, जिसके कारण कोई मदद मिल पाना असंभव था। इसी तरह लगभग 1 महीने बीत चुके थे। कच्चा खाना तो उन्हें मिल जाता था, किंतु प्यास बुझाने के लिए बरसात भी नहीं हो रही थी। इस दौरान दोनों ने अपने यूरिन अर्थात पेशाब को पीकर अपनी प्यास बुझाया। धीरे धीरे अब कोर्डोबा की हिम्मत टूटने लगती है और उसे यह लगने लगता है कि शायद वे दोनों कभी भी अपने अपने घरों को वापस नहीं लौट पाएंगे। फिर भी वे दोनों इस मुश्किल घड़ी में एक दूसरे को हिम्मत देने का काम करते हैं। एक दिन कोर्डोबा कहता है कि यदि मैं इस वीरान समुंदर में मर जाऊं और यदि तुम अपने घर पहुंच जाओ तो मेरी माँ से ज़रूर मिलना। वह उनसे कहना कि मैं पहले उनसे नाराज़ था, किंतु अब नाराज़ नहीं हूँ। जवाब में जोस सल्वाडोर कोर्डोबा से कहता है कि यदि मैं मर जाऊँ व यदि तुम अपने घर को पहुँच जाओ तो तुम मेरी माँ को कहना कि मैं उनसे बेहद प्यार करता हूँ। दोस्तों, इस विकट परिस्थितियों में भी इन दोनों ने अपनी अपनी माँ के प्रति गहरी प्रेम व आस्था की भावना को प्रकट किया। ऐसे में एक सैल्यूट तो बनता है इन दोनों जंगबाजों के लिए। दोस्तों, अब वापस कहानी पर लौटते हैं। समुद्र में लगभग 90 दिनों के बाद एक दिन कोर्डोबा अपनी कम उम्र होने के कारण जिंदगी की यह जंग हार जाता है व उसकी मृत्यु हो जाती है। अब जो सल्वाडोर कोर्डोबा के मौत के 4 दिनों के बाद तक उसकी लाश से ही जीवित समझकर बात करते रहता है। लगभग 1.5 महीनों से उसने किसी तीसरे इंसान तक को नहीं देखा था। कोर्डोबा के मौत के 5वें दिन के बाद जो सल्वाडोर यह समझ जाता है कि उसका साथी अब मर चुका है। वह अगर वह इसी तरह से सोचेगा तो वह भी एक दिन पागल हो ही जाएगा। जो सल्वाडोर अपने साथी की मौत पर खुले आसमान व वीरान समुद्र के बीच जी भरकर रोता है। वह लाश को 5वें दिन समुद्र में फेंक देता है। उसी दिन जोस ने यह तय किया कि वह आखिरी दम तक अपनी मौत से लड़ेगा व जिंदगी को जीने के लिए जरूर प्रयास करेगा। धीरे धीरे समय बीतता है। इसी प्रकार जोस समुद्री मेंढकों व अपने यूरिन को खा पी कर वीरान प्रशांत महासागर में भटकते हुए समय काट रहा था। वक्त के अनुसार उसका शरीर भी काफ़ी कमज़ोर पड़ चुका था। एक दिन की बात है, रात को आसमान में अचानक बिजली के चमकने व बादलों के गरजने की आवाज़ उसे सुनाई देती है। महीनों बाद यह पहली बार ऐसा मौका था जब निराश जो सल्वाडोर के चेहरे पर खुशी देखी जा सकती थी। उसने उम्मीद भरी नज़रों से बादलों की तरफ देखा व नाव में भरी पड़ी सभी गैलन्स व डब्बों का मुंह बादलों की ओर खोलकर रख दिया। बरसात होती है व वर्षा का शुद्ध पानी जोश को मिलता है। धीरे धीरे प्यास बुझाने को वर्षा का भी यह पानी खत्म होने लगता है। शरीर कमज़ोर पड़ने के कारण जोश के शरीर के कई अंगों से मांस गायब हो चुके थे। लाचार जोश के मन में कई बार यह ख्याल आता है कि अब उसे समुद्र में कूदकर मौत को गले लगा ही लेना चाहिए। उसे अब पूर्ण विश्वास होने लगा था कि अब वो शायद कभी जिंदगी में अन्य किसी तीसरे इंसान का चेहरा कभी भी नहीं देख पाएगा। जोश का दिमाग अब जोश के ही साथ खेलना शुरू कर देता है।
तभी जोश के दिमाग में मौत से लड़ने के लिए एक बेहद ही शानदार व जानदार आइडिया आता है। जो साल्वाडोर ऐसा सोचता है कि मैं इस दुनिया का सबसे रईस आदमी हूँ और मेरा ये 23 फुट का नाव मेरा सबसे बड़ा बंगला है और मैं इस बंगले में रोज़ मॉर्निंग वॉक पे अकेले निकलता हूँ। दोस्तों, जिंदगी और मौत के इस जंग में जो साल्वाडोर के इस जज्बे को हमारी पूरी UPSC किट्स की टीम एक बार फिर से दिल से सैल्यूट करती है। दोस्तों, जिंदगी में सभी कठिन एग्जाम्स को क्रैक करना बेहद ही आसान है, लेकिन जोश का ये एग्जाम क्रैक करना लगभग नामुमकिन था। वापस फिर से कहानी पर लौटते हैं। शरीर, हालात व जिंदगी से कमजोर जोश एक दिन बेहोश होकर नाव में ही गिर पड़ता है। कुछ समय बाद अचानक उसके कानों में छोटे छोटे परिंदों की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं व उसकी बाँछें खिल जाती हैं, क्योंकि अमूमन छोटे छोटे परिंदे किसी समुद्र तट के किनारे ही उड़ते हैं। आंखें खोलकर देखा तो उसे सामने एक वीरान टापू दिखाई पड़ता है। अब जोश के शरीर में जितनी भी ताकत बची हुई थी सभी को समेटे वह नाव के साथ टापू की ओर बढ़ चला, लेकिन इस बार किस्मत ने एक बार फिर से धोखा देना शुरू कर दिया। समुद्री लहरें उसके नाव को टापू के विपरीत दिशा में धकेलने लगीं, लेकिन कमजोर जोश उन समुद्री लहरों को हराकर आखिरकार टापू पर पहुंच ही गया। महीनों बाद जोश के कदम उस वीरान टापू की जमीन पर पड़ते हैं। कदम पड़ते ही वह बेहोश हो जाता है। यह टापू न्यूजीलैंड के समीप था, जहां पर यूनिक व रसल नाम का एक कपल घूमने के लिए अक्सर आया जाया करता है। एक दिन यह कपल टापू पर पहुंचता है और यह देखता है कि किनारे पर एक अनजान शख्स बेहोश पड़ा हुआ है। दोनों कपल्स जोश के करीब आ जाते हैं। वह उसे देखते ही समझ जाते हैं कि यह बेशक एक सर्वाइवल है। इस प्रकार जो साल्वाडोर 14 महीनों के बाद जनवरी 2014 ईस्वी को अपने घर को पहुंचता है। घर पहुंचते ही वह सबसे पहले अपने साथी कोर्डोबा के माँ के पास जाता है। वह पूरे 2 घंटों तक कोर्डोबा की माँ जो जो उससे सवाल पूछती है उनका जवाब जो साल्वाडोर देता है। इस दौरान उसकी माँ रोती रहती है। दोस्तों, इस बेहद ही शानदार व जानदार जो साल्वाडोर को आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य किसी केस स्टडी के साथ। जब तक आप सभी एक दूसरे के साथ इंसानियत का परिचय देते रहिए। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।